आपने मेरे सेकंड अटैम्प में मेरा 100% दे दिया, उसके बाद वॉट एवर विल बी द सिचुएशन आई विल रियली एक्सेप्ट दैट, और जो भी रिजल्ट होगा आई विल एक्सेप्ट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो मेरा इतना क्लियर था कि देखो मेरे फर्स्ट फाउंडेशन एग्जाम में मैं फेल हुआ तो मेरे बाकी फ्रेंड्स पास हो गए थे, तो वो सब इंटरमीडिएट की क्लासेस में चले गए थे। अब मेरे यार इतना तो किसी से होगा नहीं ना, तो मैं अकेला पड़ गया था इस सिचुएशन में। तो सेकंड टाइम जब मैंने अटैम्प्ट किया था तो मैं यही सोच रहा था कि मैं इंटरमीडिएट की क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे इतना गट फीलिंग नहीं थी कि मैं पास हो जाऊँगा, बट हाँ मुझे पता था मैंने मेरा बेस्ट दे दिया, अब जो होगा देखेंगे। सो मैंने मेरी इंटरमीडिएट की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी आफ्टर गिविंग माई सीए फाउंडेशन एग्जाम। बट कुछ लोगों के माइंड में ना अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं फाउंडेशन की स्टडी वापस से करूँ या मैं इंटर की करूँ या मैं रिजल्ट का वेट करूँ, सिर्फ और कुछ नहीं करूँ। सो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो सकती है। फाउंडेशन के एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन व्हाट टू डू नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों के माइंड में ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी, वेदर आई विल एबल टू पास माई सीए फाउंडेशन एग्जाम्स और नॉट, और शुड आई स्टार्ट अगेन फॉर माई सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन, बिकॉज अभी सेप्टेम्बर में ये अटैम्प्ट है और मुझे लग रहा है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो। और आई थिंक आई नीड टू जॉइन सीए इंटर क्लासेस टू सेव द टाइम इन फ्यूचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर विल बी सो मेनी डाउट्स और क्वेरीज इन योर माइंड, बट व्हाट यू हैव टू डू इज, हाँ हाँ आई नो यार यू हैव वर्कड अ लॉट और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, सो इट्स टाइम टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, व्हाट एवर यू वांट टू डू जस्ट डू। एंड उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर योर एग्जाम्स इज, आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट कीप दिस इन माइंड, एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, जो आपने ऑलरेडी कर दिया। अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है एक्सेप्ट दैट एंड डोंट रिपीट द सेम इन द फ्यूचर, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग हेयर विच इज द बेस फॉर द सीए जर्नी, एंड आगे जर्नी में ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक व्हाट यू हैव मेड इन योर फाउंडेशन एग्जाम्स। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप दिस। देखो यार है ना, सबके ना डिफरेंट सिचुएशंस राइज होगी, कोई एग्रीगेट के लिए लड़ रहा होगा तो कोई फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए चिंता कर रहा होगा। सो एनालाइज योर सिचुएशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली, नो नीड टू वरी यार, जस्ट कीप द थिंग्स व्हाट यू कैन डू। एंड सबकी जो सिचुएशन डिफरेंट है, सो नो वन कैन गाइड यू अंटिल यू नो द एग्जैक्ट सिचुएशन वेयर यू आर स्टैंडिंग। I can help and others can also help, but they can share their experience like me. But exactly you need to understand what you are standing there and what you need to follow. So analyze your situation first. कुछ लोगों का तो बिल्कुल क्लियर होगा कि यार मुझे मेरे फाउंडेशन की स्टडी स्टार्ट करनी है, तो दे कैन स्टार्ट दैट। कुछ लोगों ने क्लियर कर रखा होगा कि मेरे एग्जाम के बाद मैं इंटर की क्लासेस ज्वाइन कर लूँगा, तो दे कैन स्टार्ट दैट ऑल्सो। बट कुछ लोगों के माइंड में ना अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं फाउंडेशन की स्टडी वापस से करूँ या मैं इंटर की करूँ या मैं रिजल्ट का वेट करूँ, सिर्फ और कुछ नहीं करूँ। सो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो सकती है। Listen, what was my situation while I gave my CA Foundation second attempt? Like I failed in my first CA Foundation exams, but after that I able to realize this fact कि यार मैंने मेरे second attempt में मेरा 100% दे दिया, उसके बाद whatever will be the situation I will really accept that, और जो भी result होगा I will accept and work accordingly। तो मेरा इतना क्लियर था कि देखो मेरे first foundation exam में मैं फेल हुआ तो मेरे बाकी फ्रेंड्स पास हो गए थे, तो वो सब इंटरमीडिएट की क्लासेस में चले गए थे। अब मेरे यार इतना तो किसी से होगा नहीं ना, तो मैं अकेला पड़ गया था इस सिचुएशन में। तो सेकंड टाइम जब मैंने अटैम्प्ट किया था तो मैं यही सोच रहा था कि मैं इंटरमीडिएट की क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे इतना गट फीलिंग नहीं थी कि मैं पास हो जाऊँगा, बट हाँ मुझे पता था मैंने मेरा बेस्ट दे दिया, अब जो होगा देखेंगे। सो मैंने मेरी इंटरमीडिएट की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी आफ्टर गिविंग माई सीए फाउंडेशन एग्जाम। मैंने 6-7 दिन का गैप लिया था एक आराम से, उसके बाद मैंने मेरी इंटरमीडिएट की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। एंड बाय द गॉड्स ग्रेस मेरा वो डिसीजन फेवरेबल निकला था, एंड मैंने मेरी सिचुएशन एनालाइज करके ही उसको करा था। सो रिजल्ट फेवरेबल आ गया था, और मेरा जो टाइम था मैंने 1 से 1.5 महीने जो इंटर की प्रिपरेशन करी मेरे रिजल्ट तक का वेट करने की बजाय, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरी सीए इंटर को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने में। सो यू ऑल्सो नीड टू एनालाइज योर सिचुएशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली लाइक दैट। सो आई एम मेकिंग दिस शॉर्ट वीडियो टू रिमाइंडिंग कि यार ऐसा सबके साथ होता है, हर कोई ऐसा फेस करता है, लाइक मैंने भी किया था। सो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एनालाइज योर सिचुएशन, स्टे काम और सोचो थोड़ा बहुत, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, बट रिजल्ट के बारे में मत सोचना, वो आपके हाथ में नहीं है। सो गिव योर सेल्फ टाइम एंड अकॉर्डिंगली सोचकर आप डिसाइड करो कि आपको अब क्या करना चाहिए, रिजल्ट तक वेट करना चाहिए या आपको, अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज है तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड DM मी देयर एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।